just wait to see you. मानवता के लिए बहुत चमत्कारिक रही और क्रांतिकारी तकनीकी क्रिस्पर कास 9 तकनीकी को आखिरकार नोबल पुरस्कार मिल ही गया। 2020 में रसायन विज्ञान का नोबल पुरस्कार, केमिस्ट्री का नोबल पुरस्कार उन दो महिला वैज्ञानिकों को दिया गया है जिन्होंने क्रिस्पर कास 9 टेक्नोलॉजी की खोज की। क्रिस्पर कास 9 तकनीकी 2012 में जब खोजी गई उसी के बाद से ही पूरी तरीके से तिलस्म बनी हुई है, रहस्यमय तकनीकी बनी हुई है। जबकि विज्ञान का रहस्यों में विश्वास नहीं होता, विज्ञान बहुत डिफिनिट होता है और रहस्य इनडिफिनिट होता है। लेकिन आप देखेंगे कि क्रिस्पर कास 9 तकनीकी जब से आया है उसने कौतूहल मचा करके रखा है। अब मानव के सामने ऐसे सारे बदलाव की नींव पड़ गई है जिससे आने वाले समय में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, आणविक जीव विज्ञान में बहुत बड़ी क्रांति करना संभव होगा। डीएनए में, आरएनए में मनचाहे बदलाव के माध्यम से सभी जीवों में मनचाहे बदलाव की नींव रखी जा सकती है। अब मनुष्य के पास वो क्षमता आ गई है कि वह जीवों को अपने अनुसार बना सकता है, अपने अनुसार उनमें बदलाव कर सकता है और मनचाहे बदलाव के माध्यम से जहाँ नई संभावनाओं को जन्म दे सकता है वहीं बहुत गंभीर बीमारियों का भी समाधान कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, उनके लिए अलग अलग जलवायु की अभी आवश्यकता होती है। अगर आप देखेंगे आम की जो फसल है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट या सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है। सेब को देखेंगे तो टेम्परेट क्लाइमेट के अंतर्गत होता है, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत होता है। इसी तरीके से अलग अलग फसलें अलग अलग जलवायु में पाई जाती हैं। लेकिन क्रिस्पर कास 9 के माध्यम से क्लाइमेटिक इंजीनियरिंग की जा सकती है, जलवायु अभियांत्रिकी की जा सकती है, अर्थात पेड़ पौधों में ऐसे बदलाव लाए जा सकते हैं जिससे हर जलवायु में अब उसे उगाना संभव होगा। अब सेब केवल कश्मीर के वादियों में नहीं उगेगा, अब सेब राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर के मरुस्थलों में भी उगेगा, सहारा के मरुस्थल में भी उगेगा, अरब के मरुस्थल में भी उगेगा, गोभी के मरुस्थल में भी उगेगा और ऑस्ट्रेलिया के बहुत ग्रेट मरुस्थल में भी उसको उगाना संभव होगा। तो ये बदलाव जो है क्रिस्पर कास 9 तकनीकी के माध्यम से संभव हो रहा है। और इसके अलावा क्रिस्पर कास 9 तकनीकी से डिजाइनर बेबी का विकास किया जा सकता है। गर्भ में ही बच्चों में मनचाहे बदलाव किए जा सकते हैं। तो जर्म लाइन थेरेपी, डिजाइनर बेबी का जो पूरा कंसेप्ट है वो क्रिस्पर कास 9 तकनीकी के कारण ही संभव हुआ है। जीन थेरेपी में जहां बहुत सारी चुनौतियां थी, वहीं जीन एडिटिंग क्रिस्पर कास 9 तकनीकी के माध्यम से जो शुरू हुआ है वो बहुत ज़्यादा रोचक भी है, बहुत ज़्यादा त्वरित भी है और बहुत कीमत प्रभावी है, अर्थात क्विकर भी है, चीपर भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बहुत ही आसान है। तो क्रिस्पर और कास 9 तकनीकी ने जिस तरीके से संभावनाएं उत्पन्न की हैं उससे आप देखेंगे जितने भी आनुवांशिक रोग हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जिसके लिए मनुष्य जिम्मेदार नहीं है, उसकी पीढ़ियां जिम्मेदार हैं। तमाम प्रकार के जेनेटिकल डिजीज के बारे में आपने सुना होगा, आनुवांशिक बीमारियों के बारे में आपने सुना होगा, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं। अब इसका पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। लगभग 400 ऐसी बीमारियां हैं जो आनुवांशिक प्रकार की हैं और बहुत सारे लोगों को अपना पूरा जीवन विपरीत परिस्थितियों में जीना पड़ता है और मानव के जीवन की गरिमा का ह्रास होता है। लेकिन क्रिस्पर कास 9 तकनीकी अब इसको खत्म कर देगा पूरी तरीके से। मनुष्य की जाति, मानव जाति इन बीमारियों से आजाद हो जाएगी। इसके अलावा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां या एड्स जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज क्रिस्पर कास 9 तकनीकी के माध्यम से संभव है, क्योंकि कैंसर के लिए जो कोशिकाओं में होने वाला परिवर्तन है उसके लिए जो रिस्पांसिबल आरएनए और डीएनए हैं उनको क्रिस्पर कास 9 के माध्यम से रेगुलेट किया जा सकता है और डीएनए आरएनए में मनचाहे बदलाव को सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि क्रिस्पर कास 9 मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर पेस्ट की तरह काम करता है, आणविक कैंची और आणविक गोंद की तरह काम करता है और इससे डीएनए के किसी भी टुकड़े को बहुत कम सेकंड में
नैनो सेकंड में, बहुत फ्लैश ऑफ सेकंड में उसको कतरना संभव होता है और उसको जोड़ना संभव होता है, जिसके नाते एक बदलाव की बहुत बड़ी बुनियाद इसके माध्यम से संभव हुई है। आपने देखा होगा कि 2016 में एक चीनी वैज्ञानिक जिसका नाम था डॉक्टर जियान कुई, उसने मरे हुए भ्रूण को क्रिस्पर कास9 तकनीकी से जिंदा कर दिया। डॉक्टर जियान कुई ने जब ये काम किया तो पूरी दुनिया में दो प्रकार की न्यूज छपी। एक छपी कि अब मनुष्य के पास जान डालने की तकनीकी आ गई है, अब मनुष्य जान डाल सकता है। सोचिए, 2 साल पुराना मरा हुआ भ्रूण डॉक्टर जियान कुई ने क्रिस्पर कास9 तकनीकी से उसे जिंदा कर दिया। तो इससे एक संभावना तो बनी कि मनुष्य अब जान डालने की क्षमता अर्जित कर ले गया है, जो माना जाता था पहले ईश्वर के पास जान डालने की क्षमता है। और दूसरी बात यहाँ से ये उभरी कि यह तो नैतिकता के लिए भी चुनौती है, बायोइथिक्स की चुनौती है, क्योंकि मनुष्य हस्तक्षेप कर, मनुष्य जो है जीवों में हस्तक्षेप करेगा, जीवों में मनचाहा बदलाव करेगा, तो निश्चित रूप से इससे जीवों की प्रजाति आगे चल करके प्रभावित हो जाएगी। मानवता में जो परिवर्तन होता है अभी वो प्राकृतिक होता है, अभी मनुष्य वैसे भी जानते हैं, आप सभी लोगों को मालूम होगा ये ह्यूमन राइट का भी एक रूल है, जो ह्यूमन राइट के 30 आर्टिकल हैं उसमें एक आर्टिकल यह भी है जिसमें यह कहा गया है कि मानव में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव साधन नहीं है, मानव साध है। तो साध जो है उसको साधन नहीं बनाया जा सकता है, और अगर आप किसी में बदलाव करते हैं तो आप उसे साधन बना रहे हैं परिणाम के लिए। तो इस नाते यहाँ से नैतिकता की दुविधा, इथिकल डिलेमा की भी शुरुआत हुई और बायो इथिक्स की शुरुआत हुई, अर्थात देखा जाए तो यहाँ से चुनौतियाँ भी उभरी। वैसे भी ये तो आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जो तकनीकी संभावनाएं लेकर के आती है वो चुनौतियां लेकर के भी आती है, बिना चुनौतियों के संभावनाओं का जन्म ही नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्रिस्पर तकनीकी को लेकर के जहां एक तरफ व्यापक संभावनाओं की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ से इसकी चुनौतियों को लेकर के चिंता भी जाहिर हो रही है। ऐसे में बहुत सारे केस स्टडी बन रहे हैं कि क्या मनुष्य अब उस तरीके का सारा बदलाव कर सकता है जो प्रकृति में अपने आप होते थे, या मनुष्य इसका लाभकारी उपयोग करेगा या परोपकारी उपयोग करेगा। क्योंकि अगर आप एडिट कर सकते हैं तो आप अच्छे गुणों के लिए भी कर सकते हैं, बुरे गुणों के लिए भी एडिट किया जा सकता है। किसी को आतंकवादी बनाने के लिए भी पहल हो सकती है, किसी में हिंसक प्रवृत्ति बनाने के लिए भी पहल हो सकती है, किसी में और सारे अनवांटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी डाला जा सकता है। अर्थात मानवता एक तरीके से खतरे के रास्ते पर भी दिख रही है। लेकिन नोबल समिति के द्वारा जब इस नोबल पुरस्कार को देने की घोषणा की गई तो इसके उन चुनौतियों को ध्यान में रखा गया है कि इसके चुनौतियों को बहुत सारा एड्रेस किया जा चुका है, बहुत सारी चुनौतियों का समाधान धीरे धीरे हो रहा है, संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं, जिसके नाते नोबल समिति ने निर्णय लिया कि क्रिस्पर कास9 टेक्नोलॉजी के लिए नोबल पुरस्कार दिया जाए। और इसी संदर्भ में कल 7 अक्टूबर 2020 को क्रिस्पर कास9 टेक्नोलॉजी के लिए 2 महिलाओं को नोबल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। यद्यपि क्रिस्पर कास9 टेक्नोलॉजी को खोजने में, डिस्कवर करने में, इन्वेंट करने में बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा, लेकिन केवल 2 महिलाओं को इसके लिए चुना गया, यह भी एक विवाद का विषय रहा है, क्योंकि यूएस पेटेंट ऑफिस में भी इसके लिए बहुत सारे आवेदन आए थे कि 1-2 वैज्ञानिकों ने तो इसका विकास किया नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, क्रिस्पर कास9 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, आणविक जीव विज्ञान के लिए मील का पत्थर है, और इस तकनीकी से ऐसे बदलाव की बुनियाद खड़ी होगी, ऐसे बदलाव की नींव खड़ी होगी जिससे आने वाले भविष्य में बहुत बड़े परिवर्तन को देखा जा सकेगा। और बायो प्रिंटिंग, जैसे 3D प्रिंटिंग है, ऐसे बायो प्रिंटिंग, मॉलिक्यूलर फार्मिंग, आणविक खेती, अंगों की खेती होने लगेगी, अब ऊतकों की खेती होने लगेगी, कोशिकाओं की खेती होने लगेगी, और अंग खराब होने के कारण अब कोई मरेगा नहीं, आगे उनको जिंदा बना करके रखना संभव होगा। बहुत सारे लोग आर्गन फेलियर होने के कारण, किसी का किडनी फेल हो जाता है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है, किसी का लंग्स फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्रिस्पर कास9 टेक्नोलॉजी उसमें अनवांटेड चेंज को वांटेड चेंज में बदलेगा, क्योंकि यह बदलाव की आणविक स्तर पर जो है परिवर्तन करने वाली एक बुनियाद है जो संभावनाओं को बहुत गहरा कर देती है। तो ऐसे में इसे देखा जा सकता है कि क्रिस्पर कास9 किस तरीके से महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों में IAS के एग्जाम में 2018 में भी
पीटी में सवाल आया, 2019 में भी इससे सवाल आया, अब आने वाले समय में अनेक राज्यों के पीसीएस स्टेट एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, यूपीएससी के मेंस में इससे बड़े क्वेश्चन बनने की संभावना है और निबंध की भी संभावनाएं हैं। तो जो लोग सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि इस विषय पर अपने विचार को दृढ़ करें, मजबूत करें, इसके बेसिक्स को समझें ताकि इससे जुड़े हुए पहलुओं को आप जान सकें। और बाकी जो लोग एग्ज़ाम नहीं देख रहे हैं उस इस बदलाव की बुनियाद वाली तकनीकी के बारे में अपनी जानकारी को बेहतर करें, क्योंकि आने वाले समय में बदलाव की पूरी नींव यहीं से गुजरेगी और मानवता इससे बहुत बड़े स्तर पर लाभान्वित होगी। तो इस चर्चा परिचर्चा में आज हम लोगों ने क्रिस्पर कास9 तकनीकी के बारे में बात किया। इसी तरीके से लगातार बातचीत करते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। आप लोग लगातार जुड़ते रहिए और समझते रहिए, सुनते रहिए, विचार करते रहिए तमाम विषयों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।